लॉ करने के ना दो तरीके हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करके हम लॉ कर सकते हैं एक एडेड एडवांटेज मिलता है आपको समझ में आ चुका होता है कि अच्छा मुझे लॉ जो है वो किस लिए करना है ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं जो ऑल इंडिया लेवल पे आप मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो तो साढ़े तीन हजार थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सीट जो है वो आपको मिलती है सीयू टी के थ्रू बट दे अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ द कंट्री ना वॉट इज अरेज कॉलेज बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिफर करता है I am giving you a broad outline. नमस्कार दोस्तों मैं हूं वैव प्रकाश स्वागत करता हूं आपका स्टडी आई की जुडिशियरी चैनल पे कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल जो है मुझसे पूछे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे कि सर थ्री ईयर लॉ कोर्स के बारे में भी कुछ जानकारी जो है वो जरूरी है वो आप दीजिए तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री ईयर एल कोर्स के बारे में अभी तक हमने इससे पहले कई सारे वीडियोज में सेशन में जो हमने बात करी है उसमें हमने देखा है कि कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आप ले सकते हो आफ्टर योर क्लास ट्वेल्थ अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो स्टूडेंट्स अपीय कर सकते हैं आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन या फिर इवन वेन देर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ कई सारे मीटअप्स होते रहते हैं कई सारे स्टडी uh, मटेरियल्स जो है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे सो डोंट फोगेट मेक श्योर दैट यू ज्वाइन ऑन आर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो बात करना चाहते हो तो अगेन मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है वो पब्लिक अकाउंट है आपके लिए ऑल ओपन सो फील फ्री टू कनेक्ट तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि लॉ करने के ना दो तरीके हैं दो रास्ते हैं जिससे हम लॉ कर सकते हैं एक तरीका है कि हम डायरेक्टली आफ्टर ट्वेल्थ लॉ परस्यू करें और पांच साल के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लें जहां पे कि हमको डुअल डिग्री मिल जाए हमारी ग्रेजुएशन की भी और एल की भी डिग्री तो देखो लॉ की डिग्री जो है उसको कहते हैं एल एल बी एल एल बी का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको पता है तो वेरी गुड नहीं पता है तो मैं बता देता हूं लीगम बेकलोरियस कहते हैं ये एक लैटिन टर्म है बेसिकली इट 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 इज नथिंग बट कि आप एक बैचलर डिग्री होल्ड करते हो लॉ में ठीक है तो ये एल डिग्री करने के दो तरीके हो गए एक आप ट्वेल्थ किए

किसी भी स्ट्रीम में चाहे आप साइंस के स्ट्रीम से आप बीएससी करके आना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम हो आप बीटेक करके आना चाहते हो मोस्ट वेलकम हो आप बीकॉम करके आना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो तो बेसिकली एनी वन फ्रॉम एनी स्ट्रीम अगर आप बी करके आना चाहते हो तो भी कर सकते हो बी ए में आप इंग्लिश के बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद आप कॉमर्स में किसी स्ट्रीम से आप अगर आना चाहते हो लॉ करने के लिए तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्यूटली खुला हुआ है तो ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है या आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होते हो तब आप थ्री ईयर एल एंट्रेंस के लिए बैठ सकते हो क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो कि आपसे एंट्रेंस लेते हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे आपका तो ये हो गया दूसरा रास्ता जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन तो पोस्ट योर ग्रेजुएशन आप तीन साल का लॉ जो है वो कर सकते हो अब इसमें बस एक इसके देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फायदा मैं आपको दोनों बता देता हूं नेगेटिव बात क्या होती है थ्री ईयर एल की कि आपको छह साल लगता है रांच साल के लिए क्यों क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हो गया तीन साल का और फिर लॉ हो गया तीन साल का तो थ्री प्लस थ्री बिकम सिक्स ईयर्स ये हो गया कि आपको पांच साल से ज्यादा एक, एक साल एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन ऑनेस्टली एक साल ज्यादा खर्च करने से कोई बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन इसका मैं आपको फायदा बता देता हूं फायदा क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो जो आपको तीन साल का समय मिलता है आपका माइंड जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है कि नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे लॉ करना है नाउ यू आर एब्सोलूटली क्रिस्टल क्लियर कि नहीं मुझे लॉ तो करना ही करना है तो आपका माइंड मेकअप जो होता है वो डेफिनेटली एकदम कैटेगोरिकली क्लियर हो चुका होता है कि मुझे क्यों लॉ करना है और मैंने क्यों सोचा था कि मुझे लॉ करना चाहिए तो ये बेनिफिट होता है कि आपको एक एक एडेड एडवांटेज मिलता है आपको समझ में आ चुका होता है कि अच्छा मुझे लॉ जो है वो किस लिए करना है तो ये हो गया आपका थ्री ईयर का फ्लो अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखो बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं सभी स्टेट के अपने अपने तमिलनाडु तेलंगाना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस तो सबकी बात नहीं कर सकते मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं जो ऑल इंडिया लेवल पे आप मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो थ्री थ्री ईयर एल के लिए वो सबसे पहले तो है सीयूईटी यू एल एल बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसी के अंदर आपके प्रोमिनेंट कॉलेजेस जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डेली यूनिवर्सिटी इस टाइप के कॉलेजेस आ जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये सब आते हैं साढ़े तीन हजार के करीब आपको टोटल सीट्स मिलती है अट्ठारह उन्नीस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ठीक है तो साढ़े तीन हजार थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सीट जो है वो आपको मिलती है सीयूटी एल एल बी के थ्रू सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विच एवरी वन इज गोइंग टू टेक फॉर थ्री ईयर लॉ प्रोग्राम उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र लॉ सीईटी की अब क्योंकि ये जो है एक स्टेट स्पेसिफिक है लेकिन वाई एम आई टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र लॉ सीईटी इज अगेन बिकॉज महाराष्ट्र लॉ सीईटी इज रादर हैज बिकम नेशनल लेवल टेस्ट वाई हेज इट बिकम अलवल टेस्ट बिकॉज अट ऑफ कॉलेज वेरी वेरी गुड colleges, जो हैं, वो महाराष्ट्र में हैं और उनके एडमिशन उन जो है वो आपको एमएससी के थ्रू आपको मिलेगा तो इसीलिए महाराष्ट्री जो है दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक अब महाराष्ट्री में अगर बात करें तो दे हैव सिक्स थाउजेंड सीट बहुत नंबर ऑफ सीट्स है वहां पे क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर वेरी हाई तो इसीलिए आपको काफी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो महाराष्ट्र लॉ महाराष्ट्री के थ्रू मिल जाती है बट देर आर सर्टन गुड कॉलेजेस दैट यू शुड बी एस्पायरिंग एंड एमिंग फॉर उसके बाद अगर बात करते हैं तो स्लैट स्लैट इज फॉर सिम्बाइसिस सिम्बाइसिस के चार कॉलेजेस वन इज पुणे अदर इज नोएडा थर्ड इज हैदराबाद और उसके बाद आपका इंदौर तो ये चार पांच ऐसे कॉलेजेस है सिम्बाइसिस के जो कि आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए जिसमें अराउंड थाउजेंड सी जो है वो आपको मिल जाएंगी उसके बाद एक है एन एल सैट जो कि अगेन uh, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज के लिए है विच इज नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में सिर्फ 120 एंड ट्वेंटी सीट्स है बट देन अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ द कंट्री तो देरफोर दिस बिकम्स एस्पिरेशनल एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट टली टेक एन एसट एग्जामिनेशन ठीक है तो ये प्रोमिनेंटली अगर बात करें तो यह प्रोमिनेंट चार नेशनल लेवल टेस्ट है विच एवरी थ्री इयर लॉ एस्पिरेंट शुड एस्पायर टू टेक अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री आप इसको कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के बताना एंड वी विल डेफिनेटली ईदर मेक अ डिफरेंट वीडियो सेपरेट वीडियो ओवर इट और नहीं तो मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा अब बात करते हैं अच्छा बिफोर वी टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी एलिजिबिलिटी जो है वो मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटीज की थोड़ी बहुत अलग होती है लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर मैं बात करूं तो जो मेजर पोर्शन है वो ये होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो गया है या आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है लिख देता ठीक है? है है। है, या आपने graduation complete कर लिया है। इसके अलावा generally speaking, 50% aggregate marks जो है, वो आपसे मांगते हैं। कॉलेज फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन शुड बी अग्नाइज कॉलेज नाउ वॉट इज सो कॉलेजनाइज कॉलेज का मतलब यही होता है कि उसको इट इज रेकग्नाइज थ्रू अ यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से अफिलियटेड है या यूजीसी की अप्रूव्ड कॉलेज है ठीक है तो उस कॉलेज को हम कहेंगे कि वो रेकग्नाइज कॉलेज है ओके okay? तो एसेंशियली या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो एंड उसके बाद जनरली स्पीकिंग 50% परसेंट का वो देखते हैं कि आपका overall aggregate, 3 years में आपने 50% marks जो है वो at least score किया होना चाहिए कई जगहों पे कई universities में ये 50% है भी नहीं कोई भी मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है तो बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिफर करता है तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा आई एम गिविंग यू ब्रॉड आउटलाइन कि दिस इज वॉट द एलिजिबिलिटी लुक्स लाइक एंड द कॉलेज दैट यू ग्रेजुएट फ्रॉम शुड बी अ रेकोग्ज कॉलेज रेकोग का मतलब दैट इट शुड बी टू अ यूनिवर्सिटी इज बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ठीक है तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात और ये हो गई लॉ में होते हैं अब अगर हम बात करते हैं कुछ दस टॉप टेन लॉ कॉलेजेस की जो कि थ्री ईयर लॉ प्रोग्राम थ्री ईयर लॉ प्रोग्राम या थ्री ईयर एलएलबी लिख देता हूं मैं इसको ठीक है सो वॉट आर द टॉप टेन कॉलेजेस दैट ऑफर थ्री ईयर एल एल बी प्रोग्राम वन ऑफकोर्स इज डेली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज यू कैन डू योर थ्री ईयर एल बी फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर इंडिया की टॉप कॉलेज है एब्सोल्यूट टॉप कॉलेज है चाहे वो फाइव ईयर के लिए हो चाहे वो थ्री ईयर थ्री ईयर एल बी के लिए हो सिंबाइसिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट अगेन वेरी गुड एक्सपोजर काफी अच्छे फैकल्टी बेस तो ये डेफिनेटली अ गुड टू बीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीएच सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फीस बहुत ही नॉमिनल है तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो एमय यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वेरी रिच लाइब्रेरी वेरी ओल्ड हेरिटेजी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इसका हेरिटेज की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है बिगेस्ट लीगल लुमिनरी है वो जीएलसी मुंबई के ग्रेजुएट है पास आउट है तो आप यह, मतलब दिस इज अगेन ये महाराष्ट्र लॉ सीटी के थ्रू होता है वेरी वेरी इकोनॉमिकल अगेन आपको मुंबई में एक्सपोजर मिलता है वेरी क्लोज टू कोर्ट आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है आपको यहाँ पे बहुत मिलता है तगड़ा मिलता है तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बहुत अच्छा है इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज विच इज आई एल एस दिस इज इन पुणे अगेन वेरी वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड अ वेरी वेरी रेप्यूटेबल एंड अ गुड कॉलेज टू बी इन उसके बाद थोड़ी सी नए कॉलेजेस की बात करते हैं तो एक है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ विच इज इन द दिच इज सिचुएटेड इन आई आई टी खड़गपुर ओके सो आई आई टी खड़गपुर हैज आई आई टी खड़गपुर हैज अल ऑल्सो जिसमें कि यह थ्री ईयर का लॉ प्रोग्राम दिया जाता है कराया जाता है इसमें मास्टर्स ऑफ लॉ जो है वो भी होता है बट उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं सो दिस इज अगेन अनदर कॉलेज दैट यू कैन एस्पायर टू बी इन महर्षि दयानंद कॉलेज जयपुर एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दीज आर सम वेरी वेरी गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑप्शंस दैट यू शुड बी एस्पायरिंग टू गो टू वंस लाइक दीज आर योर एस्पिरेशनल कॉलेजेस लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सिंबाइसिस के भी चार कॉलेज चाराइक चार ब्रांचेज हैं यू हैव इन नोएडा यू हैव इन पुणे यू हैव इन इंदौर यू हैव इन हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज दो इट इज नॉट इन द लिस्ट हियर बट इट इज ऑल्सो वेरी रेप्यूटेबल कॉलेज बट इट इज इन साउथ हैदराबाद में है तो दीज आर सम वेरी वेरी गुड कॉलेज करना चाहिए कि से किसी से अगर करना है तो आपको एलुमनाइ कनेक्ट अच्छा मिलेगा टीचर्स अच्छे मिलेंगे इकोनॉमिकल पढ़ाई होगी बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा एंड दैट इज समिंग विच विल हेल्प यू किट योर लीगल जर्नी वंस यू कंप्लीट योर एल एल बी प्रोग्राम तो ये सब कुछ कॉलेजेस है और इनके ही सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो अगर जैसे मैं मुंबई पुणे वाली बात करूं तो ये महाराष्ट्र लॉ सी टी एम एस सी टी के थ्रू आती है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बी एच यू की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह सीयू टी के थ्रू आती है सिम्बाइसिस का अपना स्लैट एग्जाम है एनएलएस बैंगलोर का एनएलट एग्जाम है तो दीज आर डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर ओके लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यार पढ़ना क्या क्या है सर क्या क्या पढ़ना है क्या देखो बेसिक अगर एक आउटलाइन दे दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे NLSAT एक ऐसा एग्जामिनेशन है है जो जो आपसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव uh, सवाल भी जो है, वो पूछता है लेकिन बाकी की अगर हम बात करें तो मोरलेस दे टेस्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स दे टेस्ट योर जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर दे टेस्ट योर लीगल रीजनिंग स्किल्स हाउ वेल कैन यू अंडरस्टैंड लीगल टेक्स्ट एंड सम वेरी बेसिक फंडामेंटल लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट uh, तो यही चार बेसिक और प्रिडोमेंटली अगर हम देखें तो दीज आर द फोर दब्जेक्ट दैट दे आर गोइंग टू बी टेस्टिंग यू ऑन फॉर दिस थ्री इल बी प्रोग्राम कोर्स के जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपसे थोड़ा सा कुछ सब्जेक्टिव uh, लिखने को ऐसे लिखने को दिया जा सकता है uh, तो वो भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के ही अंदर आ जाता है बट देन अगेन दो सर्टन थिंग्स जो कि डेफिनेटली पूछी जाती है फॉर एग्जाम्पल सिंबाइसिस की अगर आप बात करोगे तो सिंबाइसिस में सेकेंड राउंड होता है जिसमें कि वो आपको रिटर्न असेसमेंट टेस्ट में आपसे ऐसे लिखवाते हैं एनएल सैट में में जो है वो आप में वो आपसे आपसे राउंड अगेन भी ऐसे लिखवाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे तो देर आर सर्टन कॉलेज एग्जामिनेशन विच विल हैव स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे कि आपको टाइप करना पड़ेगा अपना आंसर uh, तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो वो सेपरेट पार्ट है बट येस मेजरली अगर देखा जाए तो इंग्लिश लॉजिक अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड अगेन डू नॉट वरी स्टडी आई क्यू क्लैट जो है वो आपके लिए इन सभी की तैयारी आपको कराएगा uh, ज्यादा चेंजेस होते नहीं है सिलेबस में और पैटर्न में अगर आप देखोगे तो आप मोरोलेस आप कंप्लीट कर सकते हो अपने पूरे सिलेबस को uh, विथ आर इंटायर प्रोग्राम दैट स्टडी आई यू क्लैट है स्टे इन टच विथ अस ओवर आर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेज आप हमसे अपने सवाल क्वेरीज जो है वो पूछते रहो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए जो कुछ भी आपके मन में सवाल उठते हैं कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालना एंड वी विल गेट बैक टू यू वी विल ईदर मे अ वीडियो और वी विल गेट इन टच विद यू एंड विल आंसर यूर क्वेरी सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वील मीट अगेन वेरी सुन टिल देन स्टे सेफ टेक केयर थैंक यू बाय